गाजीपुर अमित उपाध्याय मंडल ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त दरोगा के घर गोबर गैस पर बनता है भोजन। आइए जानते हैं पूरा खबर। मैं इस समय गाजीपुर जनपद में हूं और गाजीपुर जनपद का देवकली ब्लॉक है। देवकली ब्लॉक का नारी पंचदेवरा ग्राम सभा है। यहां पे दिखा सकता हूं ये जो यंत्र है, ये गोबर गैस यंत्र, ये गोबर गैस जो है। और मेरे साथ ये इस समय जुड़ चुके हैं सीआरपीएफ के रिटायर है, दरोगा से रिटायर हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जगदीश सिंह यादव। जगदीश जी, ये बताइए जो आप लगाए हैं इससे क्या सुविधा मिलती है आपको? इससे हम खाना बनाते हैं और इससे पेट्रोमैक्स भी जला सकते हैं, लेकिन वो जलाता नहीं हूँ, केवल खाना बनाता हूँ। और इसमें एक तगाड़ी गोबर डालता हूँ। हम लोग दो आदमी का खाना आराम से बनता है। और जब से लगाया हूँ वे हमको एलपीजी का बहुत बचत है और ये लगाने का खर्चा तो हमारा कभी से निकल गया है। कितना लगा था आपको लगाने में इसको? हमको 10,000 रुपया लगा था। 10,000 रुपया निकल गया है और इसमें 3,500 की गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दिया था। सब पैसा आपका निकल गया। अच्छा, आपके दिमाग में कैसे आया कि मतलब यही चीज हमको करना चाहिए, यही चीज लगवाना चाहिए? हम पंजाब में थे तो वहाँ बहुत बड़ा बड़ा ये यंत्र लगा हुआ था, लेकिन यहाँ हम ढूंढे तो यहाँ छोटा है, ये 6 घन मीटर का है। जरा बताइए क्या क्या इसमें डाला जाता है और कहाँ कहाँ डाला जाता है? ये गोबर डाला जाता है इसमें, इधर से इसका डालने का जगह है और इसमें से होके इसमें जाता है गोबर घुला हुआ, और फिर यहाँ आके यहाँ से निकलता है। और ये सड़ी हुई खाद भी ये बहुत अच्छी काम करती है और सड़ के गोबर निकलता है, इसको तुरंत भी खेत में डालने से कोई नुकसान नहीं। और लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे लगवाने के लिए? ऐसा अगर जो भाई लगवाना चाहते हैं तो इससे उनको लाभ होगा। गोबर का उपला जलाएंगे तो जल के राख हो जाता है और इससे जो है गोबर हमारा पूरा सेफ बाहर निकलता है पूरा। हम उसको चूल्हा पे खाना बनाते हो, गैस वाला ही चूल्हा है या इसका चूल्हा अलग होता है? इसका चूल्हा अलग। जरा दिखाइए कहाँ पे है वो, इसको चालू कर दूं? जी ये हमको दिखाएंगे चूल्हा कहाँ है और किस तरह आग जलता है और किस तरह यहाँ पे लोग खाना बनाएंगे, ये भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। मेरे साथ थे सेना के जवान थे जो कि रिटायर हो गए हैं इस समय, और काफी इन्होंने अच्छा प्रयास किया है, काफी अच्छा प्रयास करके ही अपना जो है कि खाना बनाने का। देखिए ये देखिए इनका चूल्हा है, इसी चूल्हा पे ये पाइप के द्वारा गैस आएगी और इसी चूल्हा से खाना बनेगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, आपको बिल्कुल मैं ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ किस तरह ये जलती है। देखिए ये जल गया, तेज मध्यम कैसे होगा? ये मध्यम हो गया। तेज कैसे होगा? तेज इधर करने से ये तेज। तो इसपे तो बहुत लेट खाना बनता होगा? नहीं, खाना ठीक से बनता है। हवा मार रही है ना, इसका साइड भी जा रहा है, वो किचन में आड़ है वहां पर रखता हूँ। देखिए अब बुझ गया, और जलाने को इसको चाबी को ऐसे करेंगे, ये इसको ऐसे जला। ये आड़ करने से तो ये कब तक जलता रहेगा? जब तक गैस उसमें खत्म नहीं होगी तब तक। गैस खत्म हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो ये हमेशा बनती रहती है, हमेशा बनती रहती है। हाँ। हमेशा ये चल, कितने घंटे ये जल सकता है? ये 4-5 घंटे इसमें जलेगा। 4-5 घंटा ये कंटिन्यू जलेगा। अच्छा ये बताइए जो गैस का खाना बनता है और जो इससे खाना बनता है, दोनों में डिफरेंट होता है? ये अच्छा है, ये वाला गैस से अच्छा है, इससे आग लगने का खतरा भी नहीं। आग भी नहीं लग सकता है? खुला छोड़ देंगे, इससे इसकी गैस जो ऊपर उड़ती है। अच्छा, और जो सिलेंडर की गैस है जमीन पर फैलती है, कभी भी माचिस मारेंगे तो आग लग जाएगी, इससे खतरा कोई नहीं। तो ये आपका जो ग्राम सभा है ये कहाँ पे है आपका? नारी पंचदेवरा है ग्राम सभा, और इसको ये क्या बोलते हैं,
खादी ग्रामोद्योग विभाग ने ये दिया है, आपको दिया है चूल्हा और सिलेंडर, उसमें नहीं सिलेंडर नहीं ढक्कन गोबर गैस। अच्छा कितने, अगर मान लीजिए सब्जी और चावल बनाना है और दाल बनाना है, कितने घंटा में बन जाएगा? बहुत कम टाइम में बनेगा, सब्जी और चावल टाइम लगता है बनने में इसमें। ज्यादा जैसा उसकी मात्रा है उसके हिसाब से जल में उसके बराबर ही बन जाता है इसमें भी। ये देखिए एक अच्छा सराहनीय कार्य किए हैं जो कि सेना से रिटायर हो चुके हैं और काफी इन्होंने सराहनीय प्रयास करके ये लगवाया है और लगवा के अपना ये कार्य जो है सुचारू रूप से शुरू कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं, यह जनपद गाजीपुर का देवकली ब्लॉक है और देवकली ब्लॉक का यह नारी पंच देवरा सभा है। यहाँ पे मैं भी आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक आप लोग भी इस चीज को लगवाएं और इसी से ही भोजन बनाएं। धन्यवाद।